नंबर 5A में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट पी ए एंड बी। ये क्या है हमारे दो पॉइंट, सो मैं ए इज इक्वल टू पुट करती हूँ 2 एंड बी इज इक्वल टू 5। तो ये क्या हमारे सिंपली पॉइंट्स। एंड ऑन द लाइन 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो लाइन के पॉइंट्स क्या है हमारे, ये पॉइंट्स है हमारे लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट, ये पॉइंट्स के हैं हमारे। एंड लाइन के है वे क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो देखिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू क्या आएगी लाइन में 2, बी की वैल्यू क्या आएगी 3 एंड सी इज इक्वल टू माइनस 6। ओके, तो इस बेसिस पे हमारा फॉर्मूला क्या है, डी इज इक्वल टू इन द ब्रैकेट ए एक्स वन और इन द मैट्रिक्स फॉर्म प्लस सी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, सो इन द मैट्रिक्स हमें ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको चैप्टर नंबर में मिलेगा, तो प्लीज आप वहां से चेक कीजिए। एंड देन ए सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी लाइन का इक्वेशन है और जो भी लाइन के नंबर से वो हम यहाँ पे पुट करेंगे एंड फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। ओके, सो वाई इज 5 प्लस माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर प्लस स्क्वायर। ओके, सो देखिए हमारा आंसर क्या आता है, 13 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 13। इन द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द 2 एंड 3 एंड हैविंग स्लोप इज इक्वल्स टू 5 इन इट्स। सो यहाँ पे देखिए स्लोप कितना दिया हुआ है हमारे, स्लोप इज इक्वल्स टू m इज इक्वल्स टू 5 यूनिट्स। सो स्लोप इज इक्वल्स टू हमने 5 यूनिट्स लिख लिया। एंड पॉइंट क्या है, x1 एंड y1 कितना दिया हुआ है, 2 एंड 3। ओके, तो पॉइंट को हम क्या करेंगे, x एंड y1 एंड 2 एंड 3। ओके, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास, इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन इज y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। ओके, सो y माइनस y1 कितना है, 3 इज इक्वल्स टू m 5। x क्या है, कुछ नहीं, x1 क्या है हमारे पास, 2। ओके, सो इसको हम क्या करेंगे, सिंपली सॉल्व करेंगे 5x माइनस 10। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए 5x एज इट इज, इस y को हमने यहाँ पे लिया, पॉजिटिव का क्या होगा, नेगेटिव माइनस 5 माइनस 10 प्लस 3, यहाँ पे क्या आएगा, कुछ नहीं तो 0। सो 0 इज इक्वल्स टू 5x माइनस y माइनस 7, ये था हमारा इक्वेशन। ओके, सो हमें क्या फाइंड आउट करना था, इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या है हमारा, 5x माइनस y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। क्या है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 एंड 3 एंड परपेंडिकुलर ऑफ द लाइन 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 6। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे गिवन में क्या दिया हुआ है, पॉइंट, पॉइंट किस में लिखते हैं हम, x1 एंड y1 में, कितने हैं हमारे पास, 2 एंड 3। ओके, सो x1 क्या है, 2 एंड y1 क्या है, 3 हमारे पास। तो हमारे हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या होता है हमारा, देखिए सो देयरफॉर इक्वेशन इज, हमारे पास इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1, जैसे कि हमने 5A2 में देखा था, ये हमारा इक्वेशन का फॉर्मूला। तो देखिए हमारे पास x1 है लेकिन हमारे पास m नहीं है, तो हमें m फाइंड आउट करना है। तो हमें स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं, स्लोप का फॉर्मूला है, स्लोप ऑफ द लाइन हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है, वो कहाँ से जाते हैं, स्लोप। तो स्लोप ऑफ द लाइन 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6 इज, तो ये क्या, हमें इक्वेशन को क्या करना है, सिंपली मॉडिफाई करना है, माइनस 5y प्लस 6 माइनस 6 हो जाएगा अगर मैं लेफ्ट में लूंगा। तो ये हमारा होगा स्लोप ऑफ द लाइन का इक्वेशन।
तो इससे हमें क्या फाइंड आउट करना है, n। मास का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस ए डिवाइडेड बाय बी। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस ए डिवाइडेड बाय बी। तो ए कितना है हमारे पास यहाँ पे देखिए 3, बी कितना है माइनस 5। सो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये माइनस ऑलरेडी यहाँ पे, माइनस माइनस कैंसल, 3/5। ओके, सो हमें क्या चाहिए, स्लोप ऑफ दी रिक्वायर्ड लाइन। क्या चाहिए, स्लोप ऑफ दी रिक्वायर्ड लाइन इज। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये स्लोप माइनस में है, इसीलिए। तो वह m इज इक्वल्स टू, m डैश इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय m विद द माइनस साइन। ओके, तो यहाँ पे भी m डैश आएगा। तो m माइनस 1 डिवाइडेड बाय m कितना है, 3/5। तो ये ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, 5/3 एंड माइनस एज इट इज। तो देखिए m डैश क्या आया हमारा, माइनस 5/3। तो हमारे पास जो भी इक्वेशन है उसे हम क्या करेंगे, तो इक्वेशन इज y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m डैश x माइनस x1। ओके, सो देखिए y माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 5/3 x माइनस 2। तो ये जो डिनोमिनेटर है इसको मैंने क्या किया, लेफ्ट साइड में पुट कर दिया। तो 3 × 3 9, माइनस 5x-2। ओके, देन 3y-9, इसको मैंने सिंपली कैलकुलेट किया तो आंसर कितना आएगा, देखिए ये माइनस 5 है, इसको मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, 3y-9 प्लस 10 है यहाँ पे आएगा, तो सो 5x+3y-19 इज इक्वल्स टू 0। तो ये था हमारा इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन और लाइन पासिंग क्वेश्चन। इक्वेशन क्या है देखिए, फाइंड द एक्विटेंगल बिटवीन द लाइन 3x-y इज इक्वल्स टू 4 एंड 2x+y इज इक्वल्स टू 3। सो एक्विटेंगल का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एक्यूट एंगल tan theta इज इक्वल्स टू 1-m2/1+m1m2 एंड theta इज इक्वल्स टू tan इनवर्स m1-m2/1+m1m2। तो ये है हमारे एक्यूट एंगल का फॉर्मूला, द मेन फॉर्मूला। ओके, तो इसके हिसाब से हमें क्या करना है, m1 m2 फाइंड आउट करना है, फिर हमें tan theta निकालना है एंड डायरेक्टली हम इसको सिंपली सॉल्व करना है। तो इसका इतना बड़ा सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, सिंपली tan theta फाइंड आउट करेंगे। और m निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, स्लोप का फॉर्मूला चाहिए। m क्या होता है, स्लोप। तो सो फॉर फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन 3x-y इज इक्वल टू 4। सो स्लोप m1 फर्स्ट इक्वेशन, इसीलिए स्लोप m1 इज इक्वल टू क्या है, a डिवाइडेड बाय b, देन माइनस 3, y क्या है हमारे पास माइनस 1। सो आंसर क्या आया, माइनस माइनस कैंसिल हो गए एंड 3/1 इज इक्वल टू 3। एंड फॉर सेकेंड इक्वेशन 2x+y इज इक्वल टू 3, तो a प्लस बी इज इक्वल टू सी। ओके, सो स्लोप m2 इज इक्वल टू माइनस a डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू माइनस, a क्या है 2, b क्या है 1, तो ऑटोमेटिकली आंसर कितना आया हमारा, माइनस 2। ओके, तो इसके हिसाब से हमारे पास क्या मिल गए, हमें m1 m2 मिल गए। देखिए ये हो गया हमारा m1, ये हो गया हमारा m2। ओके, तो इसके tan theta का फॉर्मूला क्या है, m1-m2/1+m1×m2। तो सिंपली मैंने m1 एंड m2 के वैल्यू क्या किए, यहाँ पे पुट कर दिए। ओके, तो इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, सॉर्ट आउट करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 3-2 मतलब क्या होता है, 3+2 कितना आ गया आंसर, 5 डिवाइडेड बाय 1+3×2 विद द साइन ऑफ माइनस, माइनस 6। सो 1-6 इज क्या, व्हाट, 5। सो 5/5 इज 1। क्वेश्चन नंबर 5C1 में हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। किसका निकालना है, सिलेंडर का, जिसका क्या है, हेमिस्फेरिकल एरिया है, वो हमें निकालना है। एंड इसमें गिवन में उन्होंने देखे क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर एंड हाइट दी हुई है 50 सेंटीमीटर। तो ये जो डिटेल्स उन्होंने दिए हुए है वो हम गिवन में लिख लेंगे और अब हम अपना फॉर्मूला लिखेंगे कि जो भी टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है वो। लेकिन देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे
जो भी हमें सिलेंडर का सरफेस एरिया निकालना है, सिलेंडर कैसे होता है, कर्व होता है, तो हमें कर्व का भी सरफेस एरिया निकालना होगा एंड हेमिस्फेरिकल का भी सरफेस एरिया निकालना होगा। तो दोनों के भी बेसिस पे हम सरफेस एरिया निकालेंगे एंड जो भी एडिशन होगी वो करके जो भी हमारा आंसर आएगा वो होगा टोटल सरफेस एरिया। ओके, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे जो भी सिलेंडर का फॉर्मूला होगा वो एंड हेमिस्फेरिकल का जो भी होगा वो। तो देखिए यहाँ पे हमें फॉर्मूला क्या मिलेगा, फॉर्मूला है यहाँ पे 2πRh एंड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर 2πRh प्लस 2। क्यों 2? क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 हेमिस्फेरिकल लिया हुआ है इसीलिए 2πR2। तो ये हो गया फॉर्मूला। अब हम यहाँ पे सिंपली हमारे वैल्यूज पुट करेंगे आर एंड एच के एंड हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। आर एंड एच की वैल्यू पुट करने के बाद हमें पाई की भी वैल्यू डालनी होती है। आप पाई की वैल्यू 22/7 भी डाल सकते हैं या फिर 3.14 भी डाल सकते हैं। ये बेसिस करता है कि आपका इक्वेशन या फिर आपके जो भी नंबर्स है इक्वेशन में वो कैसे है। अगर वो डिवाइडेड हो सकते हैं तो हम 22/7 लिख लेंगे, अगर नहीं हो सकते तो हम 3.14 लिख सकते हैं। ये आता है आपके कैलकुलेशन पे भी आपको कौन से फॉर्मूले या फिर कौन सी वैल्यूज डालनी होती है। उसके बाद हम देखेंगे 5C2। 5C2 भी में हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया निकालना है। किसका निकालना है, स्पीयर का निकालना है। हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम निकालना है। लेकिन यहाँ पे देखिए उन्होंने क्या दिया है, एक राइट सर्कुलर कोन दिया हुआ है जो कि उसका रेडियस कितना है 2 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 27 मीटर। सॉरी यहाँ पे उन्होंने मीटर दिया हुआ है, जो मेल्टेड भी होते है और रिकास्टेड भी होती है स्पीयर में। जो एक सर्कुलर कोन है वो से मेल्ट करती है एंड रिकास्टेड करती है स्पीयर में, उसकी डिटेल उन्होंने दिए हुए। उन्होंने स्पीयर की डिटेल्स यहाँ पे नहीं दी हुई है, इसीलिए हम सबसे पहले सर्कुलर कोन का ही वॉल्यूम निकालेंगे और जो भी उसका आंसर होगा उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया किसका निकालेंगे, स्पीयर का निकालेंगे। इसीलिए मैंने सबसे पहले सर्कुलर कोन का जो भी फॉर्मूला है 1/3πr²h वो लिख लिया। उसके बाद सारे इक्वेशन या फिर सारे नंबर्स मैंने डाल दिए फॉर्मूले के और हमारा आंसर आता है 113.04। ये आता है सर्कुलर कोन का वॉल्यूम का आंसर। तो ये एज इक्वल टू क्या आता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। लेकिन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या है, अलग है। तो ये इक्वल होता है वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर कोन से, क्योंकि क्या होता है जो भी सर्कुलर कोन है वो मेल्टेड होके रिकास्टेड होके किस में आता है, स्फीयर में आता है। इसीलिए उसका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या आता है ये। लेकिन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का मेन फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 4/3πr³। यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, आर निकालेंगे और जो भी आर की वैल्यू होगी वो हम सरफेस एरिया निकालते समय यूज करेंगे, क्योंकि सरफेस एरिया में इम्पोर्टेंट क्या है, रेडियस। तो इसलिए हम यहाँ पे आर की वैल्यूज निकालेंगे एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, जो भी हमारा वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर कोन का नंबर्स आए हैं वो हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एज लेंगे एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू निकालेंगे। तो आर एज इट इज लिख लेंगे हम, जैसे कि r³ एज इट इज लिख लिया। यहाँ पे मैंने 22/7 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे देखिए पॉइंट वाई और वो भी पॉइंट आ जाएगा, तो पॉइंट पॉइंट के कैलकुलेशन में टाइम लगता है। अगर आपके पास कैल्सियम नहीं होगा एग्जाम पेपर में तब टाइम लगेगा, इसीलिए 22/7 से आसानी से हो जाएगा। तो सारे कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास r³ क्या आता है, 27। तो r क्या आएगा ऑटोमेटिकली, 3, क्योंकि r³ 27 का r क्या होता है, 3। तो यहाँ पे हम सिंपली सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालेंगे। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालने समय हम r क्या यूज करेंगे, 3, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का r क्या आता है, 3। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या है, πr². किसी भी प्रॉब्लम में आपको, कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, आपके इक्वेशंस या फिर आपके फॉर्मूले आने ही चाहिए। और हमारा फॉर्मूला आंसर क्या आया, फाइनल आंसर 113.04। इक्वेशंस या फिर आपके फॉर्मूले, फाइंड द मीन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, मीन
स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ये जो हमें गिवन दिया है उसके बेसिस पे हमें ये सब फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए मीन का जो फॉर्मूला है वो लिख लेंगे। तो मीन का क्या फॉर्मूला है, मीन को हम एज द वेरिएबल क्या लिखते हैं, एक्स बार। तो उसका फॉर्मूला आता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई एन, देन स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एस डी। उसका फॉर्मूला क्या आता है, इन द स्क्वायर ब्रैकेट समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस एक्स बार स्क्वायर। ओके, तो इसके बेसिस पे, इस फॉर्मूले के बेसिस पे हमें टेबल लिखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, फॉर्मूले आने चाहिए। देन नेक्स्ट क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, तो उसका क्या फॉर्मूला था वो हम भी देखेंगे। ओके, तो इन दोनों के लिए हम देखते क्या आता है और जो पूरा आता है उसको हम भी देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखिए जो क्लास इंटरवल था वो मैंने लिख लिया एज इट इज। देन 0, 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50 क्या है, क्लास इंटरवल। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को हम क्या लिखते हैं, एफ आई। फ्रीक्वेंसी क्या है, एफ आई। सो क्या है, 14, 23, 27, 21, 15। मैं यहाँ पे क्यों लिख लिया, देखिए क्योंकि इन दोनों का जो भी डिफरेंस आता है और जो मिडल टर्म्स आती है वो क्या होती है, एक्स आई। एक्स आई कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर आपको पता नहीं तो प्लीज चेक द प्रीवियस क्वेश्चन। ओके, तो एक्स आई कैसे फाइंड आउट करते हैं, नंबर वन, सॉरी द फर्स्ट डिजिट एंड द सेकंड डिजिट प्लस डिवाइडेड बाय टू, फर्स्ट नंबर द लास्ट प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय टू, इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं ये जो नंबर है वो एक्स आई निकालते हैं। और अगर आपको इजीली जानना है या फिर इजी करना है तो इन दोनों का मिड टर्म, लेकिन मिड टर्म नहीं होता है, क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय टू, इसके बेसिस पे हम निकालते हैं एक्स आई। तो हम क्या निकालेंगे, देखिए यहाँ पे क्या चाहिए हमें, एफ आई एक्स आई, तो हम एफ आई एक्स आई निकालेंगे, एफ आई एक्स आई दोनों को हम मल्टीप्लीकेशन करके जो भी आंसर आते हैं वो लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं कैलसी से करती हूँ, आप भी कीजिए, 735 एंड 675। ओके, देन एक्स आई स्क्वायर, क्यों एक्स आई स्क्वायर, देन देखिए एस डी स्टैंडर्ड डेविएशन में हमें क्या चाहिए, एक्स आई स्क्वायर, एक्स बार हमें यहाँ से मिल जाएगा। अब हम क्या चाहिए, एक्स आई स्क्वायर, एन जो भी कितने नंबर है उनके बेसिस पे हमें एन मिल जाएगा। ओके, तो हम करते हैं एक्स आई स्क्वायर, एक्स आई स्क्वायर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए एक्स आई की टर्म के स्क्वायर निकालेंगे, जो भी एक्स आई की टर्म है उसके नंबर्स के हम स्क्वायर निकालेंगे और लिख लेंगे एक्स आई स्क्वायर की बॉक्स में, जिसके 5 का आता है स्क्वायर 25, 15, 25, 35, 45 के जो भी स्क्वायर आएंगे वो हम एक्स आई के टेबल में लिख लेंगे। उसके बाद हमें एफ आई एक्स आई स्क्वायर निकालना होता है। एफ आई एक्स आई स्क्वायर मीन्स एफ आई की टर्म अलॉ मल्टीप्लाई विद एक्स आई स्क्वायर की टर्म। तो जैसे कि 14 इंटू 25 आता है 350, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 350। सेम एफ आई की जो भी सेकंड टर्म होगी वैसे ही हम एक्स आई स्क्वायर की सेकंड टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे ही हम सारे जो भी हमारे टर्म्स है उसको हम मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हम सारे वैल्यूज ऐड कर रहे हैं। उसके बाद हमने ऑलरेडी जो भी हुई है तो हम डायरेक्टली वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, एंड एंड मीन्स जो भी हमारे पास क्लास इंटरवल है उन सब की टोटल कितनी है, 100। तो यहाँ पे 100 लिख दिया एंड यहाँ पे हमने 0, 0 कैंसिल किया, 0, 0 एंड हमारा आंसर कितना है, 25। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, एस डी। एस डी मीन्स क्या होता है, एस डी मीन्स होता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो एस डी होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इसीलिए स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस एक्स बार। एक्स बार मीन्स व्हाट, मीन होल स्क्वायर। तो सबसे पहले जो भी हमारे पास नंबर्स है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ओके, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई स्क्वायर क्या आया था हमारा, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई स्क्वायर 78,500 डिवाइडेड बाय एन, एन कितना है हमारा 100 माइनस एक्स बार, देखिए एक्स बार कितना है हमारा 25 होल स्क्वायर। तो सबसे पहले ये 0, 0 ये 0, 0 हमने कैंसिल कर दिया, तो क्या आया हमारा रूट में 785 माइनस 25 स्क्वायर 625। सो अंडर रूट ऑफ 785 माइनस 625 550 61 160। सो अंडर रूट ऑफ 160 इज व्हाट 12.48 एंड एस डी इज व्हाट 12.68।
सो हमारा ये प्रॉब्लम हो गया क्वेश्चन सी के। बी में हमें क्या फाइंड आउट करना है? रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। जो भी हमारे पास डेटा है उसके बेसिस पे हमें रेंज एंड कोएफिशिएंट रेंज का फॉर्मूला करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पे मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। तो देखिए, मार्क्स में क्या है, 10, 19 एंड देन डायरेक्टली क्या है, 20, 29 22, 29 देन 32, 39। तो इसके बेसिस पे देखिए, 19 एंड 20 में डिफरेंस कितना आया, 1। कितने का डिफरेंस आया, 1 का डिफरेंस आया। ये डिफरेंस कम करने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं होता डिफरेंस, प्रॉब्लम जब हम सॉल्व करेंगे तब हम दिक्कत आएगी, तो इसीलिए मैं क्या करूँगी, देखिए जो 10 है उसको मैं क्या करूँगी, 9.5 माइनस 19 है जो क्या करूँगी मैं, 19.5। 0.5 का डिफरेंस लेके हमें जो भी हमारे देखिए सब में एक एक का डिफरेंस है, तो एक एक का डिफरेंस हमें कम करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे 0.5 कम कर दिया और यहाँ पे 0.5 एक्स्ट्रा कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्टली 1 का डिफरेंस कट हो जाएगा। देखिए 9.5, अगर मैं 20 में 0.5 कट कर दूँ तो क्या आएगा, 19.5 एंड देन 29.5। 0.5 मैंने कम कर दिया, यहाँ पे 0.5 ऐड कर दी। इसके बेसिस पे मैं सारे यहाँ पे ऐसे ही लिख लूंगी, 29.5 एंड देन 39.5 एंड जो भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे वो क्या हो गए, सेम ही होंगे। ओके, तो इसी के बेसिस पे मैं और सारे लिख लेती हूँ, 39.5 एंड देन 49.5। ऐसा क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या है, एक एक का डिफरेंस है और उसी के बेसिस पे हम ये नहीं लिख सकते, क्योंकि एक का डिफरेंस आया तो हमारा पूरा प्रॉब्लम ही गलत हो जाएगा इसीलिए। ओके, तो देखिए हमारे पास रेंज का फॉर्मूला क्या है, हमारे पास L माइनस S, L प्लस S। तो L एंड S क्या होता है, देखिए L मीन्स लार्जर वैल्यू, तो हमारे पास लार्जर वैल्यू क्या है, 69.5 माइनस S मीन्स स्मॉलर वैल्यू, 9.5 सेम लार्जर वैल्यू प्लस स्मॉलर वैल्यू, L एंड S मीन्स लार्जर वैल्यू एंड स्मॉलर वैल्यू। तो इसका आंसर क्या आता है, 0.76। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का हमारे पास आंसर क्या आया, 0.76। सेम हम रेंज के लिए निकालेंगे, तो रेंज इज इक्वल्स टू L माइनस S। रेंज में क्या है, ओनली L माइनस S एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज में क्या है, L माइनस S डिवाइडेड बाय L प्लस S। देखिए याद रखने में कितनी आसानी है, तो 69.5 देन 9.5। ओके, सो इसका आंसर क्या आता है, 60। 9.5 का आंसर क्या रह गया, 60। तो रेंज आ गया 60 एंड कोएफिशिएंट रेंज आ गया 0.76। तो देखिए, द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन आर गिवन बिलो। हमें ऑब्जर्वेशन की डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है, सेट वन एंड सेट टू। तो हमें इसमें से क्या फाइंड आउट करना है कि कौन सा मोर कंसिस्टेंट है, तो कौन सा कंसिस्टेंट है इसी के बेसिस पे हम क्या करेंगे, हमें सॉर्ट आउट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला है सिग्मा डिवाइडेड बाय एक्स बार इनटू 100। सिंपली क्या है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला, क्या है, सिग्मा डिवाइडेड बाय एक्स बार इनटू 100। तो देखिए, फॉर सेट वन सो फॉर सेट वन सिग्मा क्या आएगा, 7.3 डिवाइडेड बाय 82.5 इनटू 100। तो इसका आंसर क्या आया, 8.848। एंड फॉर सेट टू, एंड फॉर सेट टू, सेट टू के लिए वैल्यूज क्या है, देखिए व्हाट, 8.35 डिवाइडेड बाय 48.75 इनटू 100। तो इसका आंसर क्या आया, 17.128। तो सिंपली आपको कैलसी में कैलकुलेट करने होते हैं, तो वहां से आप चेक कर सकते हैं कि आंसर क्या आता है। तो देखिए, कंसिस्टेंट जो भी
स्मॉलर पॉइंट होगा वो होगा कंसिस्टेंट. सो सेट वन इज मोर कंसिस्टेंट. सो सेट वन इज मोर कंसिस्टेंट. ओके, तो ये हो गया हमारे सारे. क्वेश्चन नंबर 6C, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय मैट्रिक्स यूजिंग इन्वर्जन मेथड. तो यहाँ पे हमने हमारे पास 3 इक्वेशन है, उससे हमें क्या सॉल्व करना है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड. क्या सॉल्व करना है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड. सो हमें सबसे पहले मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का क्या चाहिए, फॉर्मूला चाहिए. तो इन्वर्जन मैट्रिक्स का फॉर्मूला होता है ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए. ये है मैट्रिक्स इन्वर्जन का फॉर्मूला. तो ये आपको चाहिए या फिर ये आपको आना ही चाहिए. इसके बेसिस पे हम पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. ओके, देन उसके बाद देखिए हमारे पास क्या है, ए. ए मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, ए मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, हमारे पास क्या है, ए मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 1. देखिए ये जो इक्वेशन है ये सारे हमें ए बी सी के थ्रू ऐड करने हैं, 3, 5. ये आपको नहीं पता कैसे आते तो प्लीज़ आप मेरे मैट्रिक्स की वाली वीडियो देखिएगा, उसके बाद आपको पूरा समझ में आ जाएगा. क्योंकि ये वीडियो में बता सकते थे इन डिटेल, फिर ये बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, इसीलिए मैंने ये जो सारे जो मेथड्स है या फिर जो भी टर्म्स है वो शॉर्टकट में बताएं. अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो आप मेरी वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं. उसके बाद देखिए हमारे पास क्या है, ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है. बी मैट्रिक्स क्या है, 3, 4, 11, जो बेसिकली होता है डी. ओके, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे. डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए ये है डिटर्मिनेंट का सिंबल. उसके बाद हम इसका क्या निकालेंगे, सॉरी डिटर्मिनेंट. उसके बाद हम क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट. तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए सिंपली हमें ए मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट के बॉक्स में लिखना है. उसके बाद हम क्या करेंगे, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे. डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, फर्स्ट नंबर एज इट इज, उसके बाद जो भी ये फोर नंबर रहते हैं, ये फोर नंबर उसका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन. -2 × 1 -2, मिडल ऑफ द साइन इज माइनस, देन 5 × 3 = 15, मिडल ऑफ द साइन इज माइनस, यहाँ पे क्या है 1. उसके बाद R1 एज इट इज कैंसल, फिर हम क्या करेंगे, C2 कैंसिल करेंगे. ओके, क्या रहेगा, 3, 5, 3, 1. तो 3 × 1 = 3, 5 × 3 - 15, देन फिर क्या आया, +1 एज इट इज. फिर हम क्या करेंगे, R1 को कैंसिल करेंगे एंड C3 को कैंसिल करेंगे. सो 15 - -10. ओके, 15 - -10. उसके बाद देखिए इसका आंसर क्या आता है, 1 - -17 - 1 - 12 +1 - -+, तो ये क्या आया, 25. तो इसका होल आंसर क्या आता है, 20. सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट, 20. अगर डिटर्मिनेंट आपका 0 नहीं है तो ये क्या है, इज नॉट इक्वल टू 0. सो ए इनवर्स क्या करता है, एग्जिस्ट करता है. ए इनवर्स इज एग्जिस्ट, हमें ये सेंटेंस लिखना है, ए इनवर्स इज एग्जिस्ट. तो इसके बेसिस पे हम और का पूरा फॉर्मूला सॉल्व करेंगे. अगर आपका डिटर्मिनेंट ही 0 आया तो आपका ए इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता. तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, अब हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ए. तो एडजॉइंट ए के लिए आपको क्या निकालने होंगे, माइनस. माइनस कैसे निकालते हैं वो भी मैंने बताया, वो भी आप देख सकते हैं. तो माइनस निकालने के लिए हम होल बड़ा सा एक मैट्रिक्स लेंगे. बड़े से मैट्रिक्स में हम क्या करेंगे, देखिए बड़ा सा एक मैट्रिक्स लेंगे. अगर आपको ये नंबर क्या होता है, देखिए ये नंबर होता है, ये नंबर होता है A11. ये यहाँ पे मिडल ऑफ दिया था A12, ये आता है A13. वन मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम. सेम फॉर द सेकेंड रो, सेम फॉर द थर्ड रो. A21, A22, A23, A31, A32, A33. इसको हम कैसे निकालेंगे, जैसे कि हमें A11 चाहिए, अब हमें क्या चाहिए, A11 नंबर चाहिए. इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारी मैट्रिक्स है ऊपर उसको हमें, देखिए ये हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स है ये, और हमें A11 निकालना. तो A11 निकालने के लिए क्या जाएगा, R1 जाएगा. तो हमारे पास रहेगा क्या, उस डिटर्मिनेंट का जो भी आंसर होगा वो हमें निकालना है. सेम फॉर R2, सेम फॉर R3. अगर हमें A21 निकालना है तो 2 जाएगा और 1 जाएगा, ये जो नंबर होंगे वो क्या आएंगे, डिटर्मिनेंट में आएंगे. तो देखिए उसके हम डिटर्मिनेंट्स लिख लेते हैं. तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, -2, 5, 3, 1, यहाँ पे आएगा 1, 1, 5, 1. ये सारे डिटेल्स और जो भी हमें हमारे पास निकालना है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं. तो ये है आपके नंबर्स, इसको हम क्या निकालेंगे, माइनस निकालेंगे. माइनस निकालने के बाद हमें क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालना है. कोफैक्टर निकालने के लिए भी एक फॉर्मूला होता है. कोफैक्टर निकालने के लिए जो भी आपके सम और
सम और विषम, जिसे हम माइनस और प्लस कहते हैं, उसको हमें क्या करना है, चेंज करना होता है, और जो भी हमारे उसके बेसिस पे, फॉर्मूले के बेसिस पे हमें सॉल्व करना होता है। ओके, तो हमने देखिए यहाँ पे मैट्रिक्स ऑफ माइनस निकाल लिए हैं, जो भी हमारे पास डिटरमिनेंट आए थे A11, A12 के, मैंने सारे मैट्रिक्स यहाँ पे निकाल लिए हैं। अब हम निकालेंगे मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। कोफैक्टर का एक फॉर्मूला है, क्या है देखिए, अगर आपका A11 है तो वो क्या आता है, पॉजिटिव विद द डिटरमिनेंट। ओके, A12 का आता है माइनस विद द डिटरमिनेंट, सेम A13 का आता है प्लस विद द डिटरमिनेंट। ये देखिए 112, तो क्या होता है, हमारा सम नंबर होता है, इसीलिए वो क्या आता है, पॉजिटिव। ये क्या आता है, ऑड नंबर होता है, तो इसीलिए क्या आता है, माइनस आता है। सेम फॉर 21, 22, 23, सेम यहाँ पे क्या है, माइनस। अल्टरनेटिव जो भी हमारे साइन होंगे वो क्या होंगे, अल्टरनेटिव विद द डिटरमिनेंट। तो हमारे पास देखिए क्या है, ये क्या है, माइनस 17। A11 इज एज इट इज माइनस 17। ये क्या है, A12 क्या है, माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये क्या है, 13 क्या है, प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। सेम फॉर ऑल, 21 क्या है, माइनस, और ये भी क्या है, माइनस, तो क्या हो जाएगा, 4। देन आएगा माइनस 4 एज इट इज, देन आएगा 0। 0 का क्या, कुछ भी कर लो क्या आता है, सेम ही होता है। देन 5, 0, -5। ओके, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे एडजेंट। तो एडजेंट ए किसे निकालते, देखिए जो भी मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स हमें मिले हुए, ये क्या है, देखिए ये नंबर में क्या है, R1, R2, R3, और ये क्या है, C1, C2 एंड C3। तो हम क्या करेंगे, C1, C2, C3, R1, R2, R3 को कैसे निकालेंगे, अगर ये हमारा R1 है, इसको हम कैसे निकालेंगे, एज इट इज। देन उसके बाद E13 इज पॉजिटिव, देन 4, -4, 0, देन 5, 0, -5। क्या किया मैंने, R1 को मैंने कॉलम में लिख लिया, और जो कॉलम था उसको मैंने रूम में लिख लिया। सिंपली हमें एडजॉइंट ए इसे निकालना होता है। उसके बाद एडजॉइंट ए निकालने के बाद हमारा फॉर्मूला क्या है, ए इनवर्स का, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 / डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, इंटू व्हाट, एडजॉइंट ए। तो हमने एडजॉइंट ए अभी निकाला, तो हम ए डिटरमिनेंट कितना आया था हमारा 20, और एडजॉइंट ए हमारे पास कितना है, -17, 12, 25, 4, -4, 0, 5, 0, -5। ओके, तो ये हमने निकाला एडजॉइंट और ए इनवर्स बी। देखिए अगर यहाँ पे ऐसी कोई नंबर होता, या फिर ये 20 की जगह और कोई नंबर होता, तो हम इन सारे नंबर्स को 20 से डिवाइड कर देंगे, लेकिन हमारा वो नंबर कैसे आएगा, अभी देखिए डिवाइडेशन में आएगा, तो हमें द पॉइंट वाले नंबर नहीं चाहिए, इसीलिए। देन हमारा मेन फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल्स टू a इनवर्स ऑफ b, ये हमारा इनवर्स का मेन फॉर्मूला। ओके, तो a इनवर्स हमने कितना निकाला, a/20, a कितना है, -17, 12, 25। एज इट इज हम ये सारे मैट्रिक्स लिख लेंगे, एंड जो हमारे पास b मैट्रिक्स है वो भी हम लिख लेंगे, एंड देन हम इसका अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखिए मैट्रिक्स से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, R1 × C1, R2 × C1, R3 × C1। अगर एक ही कॉलम है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, एक ही कॉलम आएगा। ये आपको समझना चाहिए, अगर कितने कॉलम है तो कितने कॉलम आएंगे, या फिर कितने नंबर है वो आएंगे, वो आपको आना चाहिए। इसको मैंने सिंपली यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, देखें 12 × 3, 36, -16, +0, 25 × 3, 75, +0, -55। ओके, दो। देन इसके बाद हमारा आंसर क्या आया, देखिए क्या आता है, 20, 20 एंड 20। तो इस 20 को हम सारे इसमें डिवाइड करेंगे, तो हमारा मेन आंसर क्या आएगा, 1, 1 एंड 1। सो देयर फोर एक्स इज इक्वल्स टू 1, वाई इज इक्वल्स टू 1 एंड जेड इज इक्वल्स टू 1। ये हो गया हमारा इन्वर्जन सॉल्व।